हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है कोलेरा। कोलेरा इज डेफिनेशन की बात करें, कोलेरा इज द एक्यूट डायरियल डिजीज विच हाई फीटल। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो पॉजिटिव है इसका विब्रियो कोलेरा। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इनका फ्यू हावर्स 5 डेज 1 से 2 दिन के बीच में। कम्युनिकेबल पीरियड होता है 7 से 10 दिन का फॉर इन्फेक्शन टाइम के अंदर। रूट ऑफ एंट्री की बात करें ओरल रूट में, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन बात वही फिको ओरल रूट। विब्रियो कोलेरा कंटामिनेटेड वाटर वेजिटेबल फूड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू पेशेंट इन्फेक्टेड मटेरियल से होता है। एज की बात करें तो मोस्ट अफेक्टेड चिल्ड्रन, बट में एनी एज ग्रुप में भी मतलब मोस्ट लेकिन चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। सीजन की बात करें तो वही मोस्टली इन द ड्यूरिंग रेनी सीजन में, ठीक है। मई साइन सिम्टम की बात करें, साइन सिम्टम अबाउट 90% केसेज एसिम्टमाइजेशन सिम्टम शो नहीं होता, एंड डेफिशिएंट एंड डिफरेंट बिटवीन कोलेरा एंड द अदर डायरियल डिजीज। इसमें क्या देखने को मिलता है, राइस सूप वाटर डायरिया देखने को मिलता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डायरियल साइन सिम्टम। सीवियर डायरियल सिम्टम के नाम लॉस ऑफ स्किन ट्रगर, डिप्रेशन ऑफ फंट्रल सन स्किन आइज, ओलिग्यूरिया, यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर 24 आवर्स में देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है ड्यू टू किस HCO3 की कमी करना। डायग्नोसिस एवेलेशन हिस्ट्री करवाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, राइस सूप वाटर डायरिया का मोस्टली फंक्शन करके डिटेक्ट करते हैं, और मैनेजमेंट की बात करें प्रोफाइलेक्स मैनेजमेंट हैंड स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन करते हैं, यूज क्लीन वाटर एंड फूड यूज करते हैं, अवॉइड ओपन डिफिकेशन स्टूल पास कराते हैं, अवॉइड करते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन में क्या देते हैं, कोलेरा की वैक्सीनेशन आती है वही 0.5 ml सबक्यूटेनियस टिश्यू से 3 मंथ और 6 मंथ पर देते हैं। आज के लिए अपना टॉपिक, थैंक यू सो मच।